चीनी जुबान सीखने के 8 फायदे। यूं तो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखा जाए तो उससे बहुत से फायदे होते हैं। आपका दिमाग तेज होता है, आपकी याददाश्त बढ़ती है, आप गैर मुल्कियों से दोस्तियां लगाते हैं, उनका कल्चर जानते हैं, दुनिया में घूमते फिरते हैं और कई जॉब्स में मल्टीलिंगुअल होने का फायदा उठाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीनी जुबान सीखने से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं और ये सब फायदे पैसे कमाने के हवाले से हैं। और इनमें से एक आइडिया ऐसा है जिसको सुन के आप झूम उठेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना लाजमी है। लेकिन रुकिए, इतनी अहम मालूमात को हासिल करने के बदले आप एक वादा करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, इसलिए आपने लाइक का बटन भी दबाना है। चलिए फायदा नंबर एक, आप चीन से कारोबार कर सकते हैं। जी जनाब, अगरचे चीनियों ने अली बाबा और अली एक्सप्रेस बना दिया है जो इंग्लिश में है और एक दुनिया उसके जरिए चीन से कारोबार कर रही है, लेकिन अगर आपको चीनी जुबान आती हो तो आप चाइना जाकर सोर्सिंग कर सकते हैं, अच्छे सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं और सीधा मैन्युफैक्चरर तक जा सकते हैं। इस तरह आपको वो एडवांटेज होगा जो उस शख्स को नहीं हो सकता जिसको चीनी ना आती हो। हो सकता है कि आपके जहन में ये आए कि जब मोबाइल में गूगल और वी चैट जैसी एप्स मौजूद हैं जिनमें ट्रांसलेशन भी हो जाती है तो फिर चीनी जुबान क्यों सीखें? इसका जवाब ये है कि मोबाइल या कंप्यूटर या कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसी फास्ट गलतियां कर सकता है जो आपको डबो सकता है। मिसाल दूं, चीनी में एक जुमला था जिसका मतलब था वो स्टूल पर बैठ गया, तो गूगल ने स्टूल के लफ्ज के साथ पता क्या ज्यादती की? गूगल समझा कि शायद ये वो स्टूल है जो स्टूल पास करते हैं, यानी जो काम आप वॉशरूम में जाके करते हैं। फिर चीनी में एक जुमला था जिसका मतलब था ताइवान चीन से सेपरेट हो गया, गूगल ने उसका तर्जमा किया कि ताइवान ने चीन से तलाक हासिल कर ली, यानी गूगल समझा कि सेपरेशन से मुराद तलाक है। तो मतलब ये है कि मशीन ट्रांसलेशन ऐसे ऐसे ब्लंडर्स कर सकती है कि अल अमान अल हफीज, इसलिए खुद चीनी जुबान सीखने में ही बेहतरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चीनी जुबान सीखकर आप ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बन सकते हैं। बहुत से लोगों को ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का फर्क नहीं मालूम। ट्रांसलेशन का मतलब है किसी लिखी हुई चीज को ट्रांसलेट करना, जैसे कोई किताब, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिसर्च पेपर वगैरह। और इंटरप्रिटेशन होती है जुबानी कलामी, चाहे किसी चीनी के साथ चलते फिरते करें या किसी मीटिंग में बैठकर करें या टेलीफोनिक इंटरप्रिटेशन सर्विसेज दें। आमतौर पर हमारे मुल्क में ये समझा जाता है कि जो भी गैर मुल्की हो उसे इंग्लिश तो जरूरी आती होगी, जबकि ऐसी बात नहीं। और हमारे यहाँ तो लोग जब किसी चीनी को देखते हैं उससे भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। बहुत से चीनियों को इंग्लिश आती है लेकिन उनके लिए इंग्लिश सीखना हमारी निस्बत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे से तो अंग्रेजों का खास रिश्ता रहा है ना, और अब भी है। और अब इससे अगले फायदे की बात करते हैं, यानी आप चाइनीज टीचर बन सकते हैं। आजकल पाकिस्तान में चाइनीज टीचर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि हुकूमती सतह पर चाइनीज लैंग्वेज को बहुत अहमियत दी जा रही है और अब तो प्राइवेट स्कूल्स भी बच्चों को चीनी पढ़ाते हैं। लिहाजा जिसको अच्छी चीनी आती हो वो चाइनीज टीचर बनकर भी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकता है। और चौथा फायदा ये है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप चीन जाकर इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। आमतौर पर पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को इंग्लिश आती ही है, इसलिए जब वो चाइना जाते हैं, चाहे चीनी जुबान पढ़ने या कोई और काम करने, तो उन्हें आराम से इंग्लिश टीचिंग की ट्यूशन मिल जाती हैं और उसी से लोग ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। इसके अलावा आप चीनी पढ़कर ये फायदा उठा सकते हैं कि चीन में कोई जॉब कर लें। अगरचे चीन में भी जॉब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर मल्टीलिंगुअल्स को रखा जाता है, वहां पर आपके चांसेस ब्राइट हैं। और छठा फायदा ये है जिस पर बहुत ही कम लोग बात करते हैं, कि आप चीन की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। जी हाँ, ये मजाक नहीं। बहुत से पाकिस्तानी जो चीन में चाइनीज पढ़ने जाते हैं या कोई और चीज पढ़ने जाते हैं, उन्हें वहाँ के फिल्मों और ड्रामों पर भी काम करने का मौका मिल जाता है और कई पाकिस्तानी तो अवार्ड भी जीत चुके हैं। और इससे अगला फायदा यह है कि आप टूर गाइड बन सकते हैं। आप टूरिज्म की अपनी कंपनी खोलें, चाइना में एडवर्टाइज करें, चीनियों को यहाँ पर बुलाएं, उन्हें ठहराने का बंदोबस्त करें और उन्हें पाकिस्तान में घुमाएं फिराएं, ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे आप। और आखिरी और सबसे जबरदस्त फायदा जिससे आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, वो ये है कि किसी अमीर चीनी लड़की से शादी कर लें और उसके बाद फिकर न फाका ऐश कर काका। चाइनीज में गुड बाय को कहते हैं जाए चैन।